أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आस्क वज़ाइफ टीचर चैनल के मुआज़्ज़िज़ सामीन और उम्मत मुस्लिमा की मुकद्दस माओ बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह करीम के फजलो करम से तमाम मुसलमान भाई बहन खैर आफियत से होंगे। मुआज़्ज़िज़ नाज़रीन हाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अपनी तमाम बरकतें रहमतें लिए आलम इस्लाम में जारी और सारी हुआ। अल्लाह करीम से गुजार दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके हर मुसलमान की परेशानियां मुसीबतें तकलीफें दूर फरमाकर रमजानुल मुबारक की बरकतों से मालामाल फरमा दे। ये वो बाबरकत महीना है कि हर मुसलमान इसका हर घड़ी अदबो एहतराम करने में गोशे अमल है। नमाज तरावी इशा के साथ साथ नमाज तरावी अदा करके सहरी और अफतारी का एहतमाम करके सारा दिन रब की रजा की खातिर भूख प्यास में गुजार कर अपने दुनियावी तमाम कामों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल करने के लिए सारा दिन रोजा की हालत में और शाम को अफतारी और उसके साथ इशा की नमाज नमाज़े तरावी अदा करके वज़ाइफ़ को अज़कार करके अपने रब को मनाने में गुजार रहा है। हर मुसलमान इस बाबरकत महीने का अदब और एहतराम करने में कोशिश अमल नजर आ रहा है। अल्लाह करीम से दुआ है कि इस बाबरकत महीने की बरकतें रहमतें हर मुसलमान पर निछावर कर दे। नाज़रीन और हाज़रीन, सब दिनों से अफजल तरीन दिन जुम्मतुल मुबारक आज हमारी जिंदगियों में फिर से रमजान शरीफ का जुम्मा नसीब हुआ। अल्लाह करीम का लाख लाख शुक्र है कि रमजानुल मुबारक की बरकतों के साथ साथ जुम्मतुल मुबारक की बरकतों से भी मालामाल किया। जुम्मतुल मुबारक के दिन असर की नमाज के बाद 80 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें, इंशाल्लाह 80,000 दर्जात बुलंद होंगे, 80,000 दुआएं कबूल होंगी और 80,000 से जायद गुनाह माफ किए जाएंगे। इसके अलावा जुम्मतुल मुबारक यानी आज 2 रमजान से लेकर 10 रमजान तक बहुत ही पावरफुल अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। 2 रमजान से लेकर 10 रमजान तक रोजाना सिर्फ 1 तस्वीर यूं पढ़ लें, जो चाहे मांग लें इंशाल्लाह सब मिल जाएगा, नसीब और तकदीर के फैसले होंगे, आजजी से झुक कर मांगते जाएं सब मिलता जाएगा। रोजाना सिर्फ 1 तस्वीर कुरान करीम फुरकानुल हमीद की खास मुख्तसर सूरत सूरतुल कौसर की पढ़ें, यानी 1 तस्बीह 129 मरतबा सूरतुल कौसर रोजाना पढ़ें। 10 रमजान तक आप पढ़ेंगे और ये तस्बीह पढ़ने के बाद जो अपने रब से मांगेंगे हर हाजत को पूरा होता देखेंगे। नसीब और तकदीर जो कि रब ने बनाए हैं तो बदलने पर भी वही कादिर है, जल्द ही वो तकदीर को बदल देगा। आजजी से आंसुओं से अपने रब की बारगाह में तौबा अस्तगफार करके रमजानुल मुबारक की बरकतों का वास्ता दे कर अपने रब से मांगे, खुदा तआला की कसम के हर वो चीज मिलेगी जिससे आप पहले महरूम रहे। रिस्क में इजाफा होगा, कारोबार में तरक्की नसीब होगी, औलाद नरीना होगी, अगर औलाद है तो इंशाल्लाह फरमाबरदार नेक और ताबेदार होगी। अल्लाह करीम के करम से बच्चियों की शादियों के मसाइल हल होंगे, नेक और अच्छे घरानों से रिश्ते आएंगे। तो आपने रमजानुल मुबारक की बरकतों का फायदा उठाते हुए वज़ाइफ़ो अज़कार करने हैं, ताकि नमाज और रोजा के साथ साथ वज़ाइफ़ो अज़कार करके भी अपने रब को उसके खास नामों से पुकार कर आप अपनी हर जायज हाजत को हर दुआ को पूरा और कबूल होता देख सकते हैं। इजाजत चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।